ये समझ में आ। तो वायरस को देखता नहीं है ना, वो कितना रात देखता है, किसी को देखता नहीं है, देखता नहीं है, फैलता है बड़ी जल्दी और पूरे कंट्री में क्या हो रहा है इंशाल्लाह। हम डिस्टेंस भी उसका भी ख्याल रखते हैं और मास्क का भी ख्याल रखते हैं और सैनिटाइजर और सबसे अच्छी बात। देखिए कल शाम 7 बजे से पूरे बारामूला डिस्ट्रिक्ट में एक लॉकडाउन अनाउंस हुआ है और उसी सिलसिले में हम आज इस वक्त पट्टन मार्केट में खड़े हैं और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सारी जो दुकानें हैं सभी बंद हैं, ट्रैफिक की मूवमेंट भी काफ़ी रिस्ट्रिक्टेड है और ये एक बड़ा अच्छा इंडिकेशन है कि जिस तरीके से लोगों ने लॉकडाउन की जो रिस्ट्रिक्शन है खुद कोऑपरेट किया है और ये एक स्टेप जो लिया गया था ये कोविड के सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए लिया गया था, जिस तरीके से केसेस में सर्च आ रही थी और ये एक अहम स्टेप है जिससे हमारी जो ट्रांसमिशन है डिजीज़ की उसमें एक ब्रेक आएगी। और मैं लोगों से यही अपील करूँगा कि ना कि सिर्फ हम बाज़ारों में अगर एक्टिविटी कम हुई है, गाड़ियों की मूवमेंट में कमी आई है, बस साथ ही साथ अपने घर में अपनी कम्युनिटी में भी वो कुछ बेसिक प्रिकॉशन जो लेते आ रहे हैं, चाहे वो मास्क पहनना है, चाहे वो गैदरिंग्स को अवॉइड करना है, चाहे वो हैंड हाइजीन रखनी है, चाहे वो सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करना है या सोशल डिस्टेंसिंग करनी है, तो ये सारे स्टेप्स भी साथ साथ बरकरार रखें क्योंकि यही इफ़ेक्टिव मेजर्स हैं जो हमें कोविड से बचा सकते हैं, हमारे घर वालों को बचा सकते हैं और कम्युनिटी में इसके स्प्रेड को रोकने से। ये मैं बताता चलूँ कि वैक्सीन जो पहले एलिजिबल एज ग्रुप था हमारा 45 से प्लस ऊपर के एज ग्रुप में हमने लगभग 2.25 लाख के करीब डोजेज अभी तक एडमिनिस्टर करी हैं और आज हमारे पास वैक्सीन की थोड़ी शॉर्टेज है जिसके कारण हमारे अवेलेबिलिटी उस तरीके की नहीं है, बट हम लगातार जो हमारे सेंट्रल ऑफिसेज हैं उनके साथ हमारा रास्ता बना हुआ है और हम काफ़ी उम्मीद हमें कि जल्दी ही हमारे पास वैक्सीन आ जाएगी और जिसको हम फील्ड में डिस्ट्रीब्यूट करके रखेंगे। दूसरा, जो लोग नए न्यूली एलिजिबल हुए हैं, जो 18 से 45 साल की उम्र के, उनके लिए मेरा मैसेज यही है कि उनको पहले वैक्सीन के लिए रजिस्टर करना पड़ेगा। वो अपने फ़ोन से या अपने कंप्यूटर से वो अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं कोविन ऐप पे। जब वो रजिस्टर कर पाएंगे उसके बाद उनका सेशन उनको अलॉट होगा कि किस दिन किस जगह पे उनको वैक्सीन मिलनी है, वो उनको एक मैसेज के जरिए उनके तक वो चीज़ पहुँचेगी। तो मैं उनसे यही अपील करूँगा कि वो खुद से वैक्सीनेशन साइट्स में या हॉस्पिटल्स में ना आएँ, वो वेट करें अपनी टर्न का और जैसे ही वैक्सीन उनके लिए आती है वो प्लान होगा तो वो उसी हिसाब से रिपोर्ट करें। थैंक यू।